हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले हम निफ्टी की बात कर ले। तो निफ्टी हमने कल डिस्कस किया था कि निफ्टी हमारे लिए बाय ऑन डिप है। हमें जब भी कोई डिप मिलेगा हम इसको बाई करेंगे। हमारा जो टारगेट है निफ्टी का 22,740 का, ये पहला टारगेट है। ये आने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट वो खुलेगा वो आपका 23,000 का टारगेट है। तो यहाँ तक हमें निफ्टी आता हुआ दिख रहा है और आने वाले टाइम में, आने वाले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में शायद हमें ये दोनों टारगेट रिटेस्ट होते हुए दिख जाए। तो अगर हम इंट्राडे की बात करें तो निफ्टी, अगर मान लीजिए हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे के इंट्राडे का ट्रेड प्लान करेंगे तो यहां से निफ्टी में हमें आपको देखने को मिलेगा कि निफ्टी यहां से स्लोली स्लोली ऊपर को आ रहा है। तो मान लीजिए निफ्टी कल फ्लैट खुलता है, कहीं पे भी इस रेंज में फ्लैट खुलता है तो फिर निफ्टी बाइंग के लिए आएगा। रीजन बीइंग यहां पे एक अच्छा मोमेंटम था, मोमेंटम होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आया, इसका मार्केट साइडवेज है, इट मींस कि मार्केट वापस से ट्रेंड यहां पे रिज्यूम करेगा। तो अगर कल ये फ्लैट खुलता है, गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए, गैप डाउन खुलेगा तो फिर हमें यहां पे आके सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। बट अगर ये फ्लैट खुलता है तो कल निफ्टी बाइंग के लिए आना चाहिए। तो फिर फ्लैट खुलने के बाद एक 15 मिनट का पॉजिटिव कैंडल होगा, कैंडल का ब्रेकआउट पर हम लॉन्ग कर सकते हैं, कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे। 1:2 के लिए इंट्राडे के अंदर हम प्लान करेंगे। फिलहाल सेलिंग के लिए निफ्टी में कोई स्कोप ऐसा दिख नहीं रहा है क्योंकि मार्केट में काफी स्ट्रेंथ है, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है और कंटिन्यूअसली अगर आप देखेंगे तो सारे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। चाहे आप निफ्टी निफ्टी 50 इंडेक्स के कोई भी स्टॉक को उठा के देखें, सारे आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं मार्केट के अंदर, सारे हैवी वेट में अच्छी बाइंग चल रही है। तो यहां पे स्टिल निफ्टी में बाई ऑन डिप का स्ट्रेटजी हमारा होगा, हम कल के लिए भी यही सेम स्ट्रेटजी प्लान करेंगे। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जैसा हमने डिस्कस किया था कि 48,150 का हमारा टारगेट इंटैक्ट है, तो ये टारगेट हमें शायद कल या परसों में रीटेस्ट होता हुआ दिख जाए। तो कल अगर बैंक निफ्टी भी फ्लैट खुलता, फ्लैट खुलने के बाद स्विंग हाई के ऊपर निकलता, या फिर मान लीजिए 15 मिनट का पॉजिटिव कैंडल, कैंडल के ब्रेकआउट पर लॉन्ग कर सकते हैं, कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे। 1:2 के लिए इंट्राडे में हम ट्रेड को प्लान करेंगे। जिन्होंने भी पोजिशनली बाई किया, आई होप आप सबने यहां पे ऐड किया हुआ क्योंकि हमने यहां पे डिस्कस किया था कि ये ब्रेकआउट पे हम लॉन्ग करेंगे तो एक अच्छा डिसेंट सा प्रॉफिट में आप निफ्टी के अंदर भी बैठे होंगे और बैंक निफ्टी के अंदर भी बैठे होंगे। तो पोजिशनली हमें ये टारगेट हिट होता हुआ दिखेगा। तो यहां पे आने के बाद हम देखेंगे, रिव्यू करेंगे कि हमें प्रॉफिट बुक करना है या फिर क्या करना है। अगर हम बात करें स्मॉल कैप और मिड कैप की, तो स्मॉल कैप और मिड कैप में टेलीग्राम पे मैंने सबको चीख चीख के बोला था कि यहाँ पे कोई पैनिक नहीं है, ये जो सेलिंग थी ये एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग थी और हमें यहाँ पे बाई करना, और बिल्कुल इस लेवल पे हमने मिड कैप को बाई करना स्टार्ट कर दिया था यहाँ से। तो आपको आज जिन्होंने भी यहाँ पे बाई किया होगा, आप आराम से 20-25-30% के प्रॉफिट पे ही बैठे हुए हैं क्योंकि जो भी स्टॉक मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया वो सारे स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहे हैं और कोई भी स्टॉक आप उठा के देखो 5-7%, 8%, 10% से नीचे कोई भी दिन में इससे कम का मोमेंटम कहीं पे भी देखने को नहीं मिल रहा। तो अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। स्मॉल कैप में भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी बाइंग मोमेंटम चालू है क्योंकि यहाँ पे भी जो सेम पैटर्न बना था ये ट्रिपल करेक्शन में था और मैं हमेशा बोलता हूँ कि ट्रिपल करेक्शन के बाद या फिर डबल करेक्शन के बाद यहाँ पे एक इम्पल्स का मूव स्टार्ट होता है। तो इम्पल्स का मूव जनरली क्या होता है, वो काफी फास्ट होता है और काफी तेज होता है। तो मैं आपको हमेशा से बोल रहा था कि रिकवरी बहुत फास्ट होगी, पैनिक नहीं कीजिए, बाई कीजिए। तो जिन्होंने भी बाई किया वो डिसेंट प्रॉफिट में होंगे। अगर हम कल के लिए स्टॉक्स डिस्कस करें तो आज भी मैं सेम स्टॉक्स को रिपीट करूंगा जो हमने कल डिस्कस किया था। इन सबके शॉर्ट्स मैंने डाले हुए वीकेंड के अंदर, आप अगर आपने शॉर्ट्स वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, वहां पे आपको ये सारे स्टॉक देखने को मिलेंगे। UBL एक अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, मैंने यहाँ पे बताया था कि ये बार बार इस लेवल पे आ रहा है और यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिल रही है, यहाँ से सडन स्पाइक आ रही है, इट मींस कि बायर्स इसके नीचे जाने नहीं दे रहे, ये कंटिन्यूअसली ऊपर लेके जा रहे प्राइस को। तो यहाँ पे एक अच्छा आपको डबल बॉटम का फॉर्मेशन भी दिखेगा और यहाँ पे जो आपका करेक्शन था ABC पैटर्न में करेक्शन हो रहा था, इसके बाद यहाँ पे प्राइस सब रिवर्स करके लोअर लो, हायर लो और हायर हाई के पैटर्न में मूव कर रहा है। तो ये स्विंग का ब्रेकआउट होता है कल तो फिर हमें वापस से मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 1808-1810 तक के लिए इसको इंट्राडे में बाई करके चल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें स्टेट बैंक, ये भी मैंने इसका भी शॉर्ट शेयर किया था कि यहाँ पे भी हमें एक मोमेंटम देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको एक हॉल्ट कैंडल बनता हुआ दिखेगा, यहाँ पे मोमेंटम होने के बाद जो प्राइस है ये हॉल्ट कर रहा है। स्टेट बैंक अगर मान लीजिए कल इसके ऊपर निकलता है तो फिर हमें 813 रुपये तक का मूव यहाँ पे रिटेस्ट होता हुआ दिख सकता है, तो इसको भी हम लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्विंग लो का स्टॉप लॉस रखेंगे, इसको हम स्विंग ट्रेड के लिए प्लान करेंगे 800-813 रुपये के टारगेट के लिए। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें LIC में अगर आप देखेंगे तो 38% के लेवल के ऊपर क्लोजिंग आना स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे ये काउंटिंग है, यहाँ पे वेव थर्ड का फॉर्मेशन हुआ, ये वेव फोर्थ का फॉर्मेशन था जो कि ए बी और सी के नेचर में करेक्शन पूरा हुआ और ये करेक्शन जो आपका वेव फोर्थ का जो लेंथ है ये लगभग अप्रॉक्सिमेटली 50% के आसपास का रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिला। तो ये जो मैंने काउंटिंग स्टार्ट किया ये बिल्कुल यहां से बॉटम से स्टार्ट किया, तो यहां पे वेव 1 का फॉर्मेशन हुआ, यहां पे 2 का, ये थर्ड का, यहां पे वेव फोर्थ का फॉर्मेशन हुआ और देन आफ्टर यहां से फिफ्थ का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसको हम पोजिशनली बाई कर सकते हैं अगर हम इसका टारगेट यहां पे प्लान करें तो, ये स्विंग हाई से स्विंग लो का हम फिबो डाल देंगे और 127% का टारगेट होगा, मतलब आने वाले टाइम में LIC हमें 1250 का लेवल रिटेस्ट करता हुआ दिख सकता है। तो इसको हम पोजिशनली बाई कर सकते हैं, अच्छा बेट है।
काफी अच्छा यहाँ पे 30-40% का अपसाइड यहाँ पे पोटेंशियली दिख रहा है जो कि हिट हो सकता है, तो LIC को हम बाई करके चल सकते हैं पोजिशनली। मैप माई इंडिया ये भी मैंने कल डिस्कस किया था, इसके वीकली चार्ट में आपको एक हैमर कैंडल का ब्रेकआउट होता हुआ दिखेगा, यहाँ पे ये हैमर हुआ प्लस ये पे यहाँ पे आपका 1, 2, 3, 4, 5 करके ये आपका करेक्शन पूरा हुआ, 50% का रिट्रेसमेंट। इट मीन्स कि इस सारे मूव को हमने वन कंसिडर कर लिया, ये वेव सेकंड हो गया और यहाँ से वेव थर्ड का फॉर्मेशन होगा जो कि 5 मूव में हमें आता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ हैमर का ब्रेकआउट हुआ वीकली कैंडल पे और कंटिन्यूअसली इसके ऊपर प्राइस सस्टेन कर रहा है, तो अगर हमें यहाँ पे कोई डिप मिलता है तो हम इसको बाई करेंगे कंटिन्यूअसली, क्योंकि ये पिछले 3-4 दिन से लगातार मोमेंटम कर रहा है। तो मान लीजिए अगर डिप मिलता है तो 1850 रुपीज तक हम इसको लॉन्ग करके चलेंगे और आने वाले टाइम में हमें छोटे छोटे टारगेट अगर हम यहाँ पे बात करें तो 2017 और इसके बाद फाइनली 2450 का टारगेट हमें यहाँ पे रिटेस्ट होता हुआ दिख सकता है। एशियन पेंट भी मैंने शेयर किया था, ये आपका बॉटम है इनिशियल, तो यहाँ पे भी इसको हम बाई कर सकते हैं या फिर जो बहुत कंजर्वेटिव ट्रेडर है आप वेट करें यहाँ पे इस प्राइस का ब्रेकआउट आने दीजिए, क्योंकि ये एक रेंज है, इस रेंज का जब ब्रेकआउट आता है और इसके बाद रीटेस्ट करके निकलता है तो भी बाई कर सकते हैं, या फिर अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास ये पोजिशन है ऑलरेडी, मैंने लोअर लेवल पे इसको उठा लिया है, उठा के रखा है, तो मैंने स्टॉप लॉस जो है वो 2770 का स्टॉप लॉस रखा और मेरी बाइंग लगभग यहाँ के आसपास की बाइंग है, तो मुझे एक अच्छा डिसेंट सा प्रॉफिट मिल रहा है। तो मान लीजिए कल इसके ऊपर निकलता है तो हमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो हमारा टारगेट यहाँ पे होगा 3050 का टारगेट हम यहाँ पे एशियन पेंट के अंदर प्लान कर सकते हैं। बाकी जो भी स्टॉक्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, चाहे वो अदानी एंटरप्राइज हो, चाहे आपका अदानी पोर्ट हो, सारे स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं, अच्छे प्रॉफिट में, आई होप अब प्रॉफिट बुक करना नहीं भूलेंगे, टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और वहां पे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग।